चलिए जहाँ पे रुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यू क्लास है, इसमें कोई ब्रेक क्लास का ही ब्रेक लिया है। चलिए पेज नंबर 153 पे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इनमें क्या सिमिलरिटी है और इनमें क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं मेरे साथ। चलिए आप, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिवोटेड टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन एंड इंटेंड टू रेज द रेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन, येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों क्या है, लोगों की भलाई के लिए बने हुए हैं, लोगों के जो अपलिफ्टमेंट के लिए बने हुए हैं, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए बने हुए हैं, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके लिए बने हुए हैं। फिर इनमें छोटा सा जो है डिफरेंस आ जाता है, सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जो है जस्टिसेबल होते हैं और डीपीएसपी जो होती है नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है, वैसे हम पढ़ चुके हैं कि तो फिर अलग अलग होने की क्या जरूरत है, इनको एक ही क्यों नहीं बना देते हैं? देखो, एक इसलिए नहीं बना देते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप हाथों हाथ या जिसकी गारंटी नहीं दे सकते, जिसकी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, फंडामेंटल में वो चीजें रखी जाती है जिसकी आपको हर हाल में गारंटी मिलेगी ही मिलेगी, और डीपीएसपी में रोज आती है कि भाई कोशिश करेंगे इनको फॉलो करने की गारंटी नहीं, कोशिश रख लेंगे इसको फॉलो करने की गारंटी नहीं है। ठीक है, अब किस तरह से होती है देखिए, क्या एग्जांपल बताऊं आपको, छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, ये एक प्रॉमिस है। ठीक है कि भाई जो है आपको रोज स्कूल आना चाहिए, जो 100% अटेंडेंस देगा उसका जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, वो मेरिट में भी आ सकता है। आपको जो है पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, स्कूल में अटेंटिव रहना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट लेना चाहिए टीचर का, आपको ग्रुप में जो है डिस्कशन करना चाहिए, स्कूल में आते हो तो टिफिन खोल के सुबह सुबह खाना नहीं खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, तो टिफिन में कम ध्यान देना चाहिए और इस पे ध्यान। तो ये जो है प्रोमिसेस जो आपको करना चाहिए, आइडियल चीजें, मतलब अगर ऐसा ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये बाउंडेशन हो जाता है किसके ऊपर, स्कूल के ऊपर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये कहीं पे लिखना नहीं, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, स्कूल के ऊपर बाउंडेशन है कि जो एक्स बच्चा है या जो वाई बच्चा है, इनको आपको किसी भी हालत में आपको जो है 90% दिलवाने ही है, आपको 90% दिलवाने हैं कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए तो फिर स्कूल क्या करेगी, आप पे प्रेशर डालेगी, अपनी तरफ से पूरा इनपुट देगी कि भयंकर आपको पढ़ाएगी, रात दिन क्लासे लगेगी, और ये देख अभी लगी रही है जो हॉलीडेज में जहां पे एंजॉय करना चाहिए था मुझे जबरदस्ती जो है क्लासेस, जबरदस्ती नहीं है मतलब क्लासेस चल रही है। ठीक है ना, तो स्कूल अपनी तरफ से पूरा कमिटमेंट करके चल रही है कि भाई गारंटी से जो है कुछ बच्चों को, जैसा कि अपना कमिटमेंट है भाई 5 लोगों के जो है नाम बताने से कोई मतलब नहीं है, 100 में से 100 नंबर मैं दिलवाऊं या लाने की कोशिश करूं, जब दोनों प्रिपरेशन करेंगे इक्वली। तो यहाँ पे क्या लिखा था, स्कूल को कोशिश करनी चाहिए लोगों के अच्छे नंबर आए, पर यहाँ पे क्या है, हम गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो है 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, अब किसी के 99 आ गए तो वो कोई ऐसे नहीं है केस कर देगा मेरा 100 नहीं आए, बाकी ये कोशिश रहनी चाहिए। बस उसी चीज को फॉलो करते हुए फंडामेंटल राइट्स को, आपके जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्यों है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको जिनका राइट है कि मेरे जो है 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, उन राइट को फॉलो करते हुए उनको पूरा ध्यान रखते हुए जो है इस तरह का प्रोसेस जो है ऑनलाइन क्लास वाला ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, बस इतना ही सिंपल डिफरेंस है, इसी को देने के लिए मैंने बताया था। ये आपको कहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, किताब में कहीं पे भी या कॉपी में लिखना नहीं है, समझने के लिए साइड में कहीं लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिया ना, फिर 100 में 100 नहीं आने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिवोटेड टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस एंड इंटेंड टू रेज, इंटेंड मतलब कि अपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द सिटीजन, येट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट, पहला बात मैं बता चुका हूं। फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन। फंडामेंटल तो क्या है, लीगल है, वो ये करना ही करना है, कानूनी रूप से आपको पक्का ही पक्का है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो जाएगा। वो क्या है, आइडियल्स है, एक मॉरल साइंस होती है ना, ऐसा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, खेलने जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, मॉरलिटी है, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी क्या होने वाला है। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल राइट ऑफ पर्सन। फंडामेंटल राइट जो है पर्सन के होते हैं, आपके अगर कोई राइट का वायोलेशन होता है आप क्या कर सकते हो, मेरा जो इक्वलिटी नहीं मिली, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, मुझे पूजा नहीं करने दी, मुझे ये नहीं करने दिया। ठीक है, तो आपके खुद के पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गाइडलाइन ऑफ डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द स्टेटमेंट, सॉरी
बीपीएसपीज क्या है, गाइडलाइंस, ठीक है, एक फॉर्मेट है कि जो फॉलो करना चाहिए स्टेट को ताकि सब अच्छा अच्छा हो, गारंटी नहीं है। फोर्थ क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर सिंबल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स में क्या होते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, मतलब आपको जो है गवर्नमेंट जवाबदेह हो जाती है। गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट आपके लिए जो है जिम्मेदार हो जाती है कि भाई हर तरह से जो है आपको न्याय मिले। कौन सा, पॉलिटिकल न्याय, पॉलिटिकल न्याय कैसे, कि भाई आपको इक्वलिटी मिले, प्रीएम्बल में जो चीजें लिख रखी वो मिले, आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, आपको जो है इक्वल जो है रिलीजियस राइट्स मिले, ये सारी चीजें किस में आती है, पॉलिटिक्स में आती है। इसी पे पूरा पॉलिटिक्स चलती है, रिलीजन पे, स्टेट में क्या क्या चीज आती है, ठीक है, कि टेरिटरी, रिलीजन, आप सब कुछ वो आप पे ज्यादा फोकस करती है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सिंबल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, सामाजिक जो भी चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में आपको अपलिफ्टमेंट मिले उसकी कोशिश रहती है, और आपको इकोनॉमिक जो है इक्वलिटी मिलने की कोशिश हो वो भी कोशिश रहती है, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल है और ये सोशल और इकोनॉमिक में, ये इसमें बहुत डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन जो है आने लायक भी है। इसके साथ ही इसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है वो क्वेश्चन भी आने लायक है, इसके चांसेस बनते हैं। बहुत माइन्यूट चीज है, घुमा घुमा के एक ही बात कही है कि फंडामेंटल राइट जो क्या है, पिलर है जिसके पे जो है आपकी डीपीएसपी खड़ी होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है, इसी को जो है इसने इतनी सारी लाइन में घुमा घुमा के, चाहे तो आप आरबीएससी बुक पढ़ो और ये पढ़ो, एक ही चीज दे रखिए, दो तीन केसेस के नाम दिए हैं वो आप हमेशा के लिए रख लेना, आपके आज भी काम आने वाले हैं, देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 3 या पार्ट 3, एक ही बात है, आप अच्छा होगा आप पार्ट 3 लिखे, अच्छा होगा आप सेक्शन 3 में लिखे, आप जो कोशिश करें पार्ट 3 हर जगह सेक्शन की जगह पार्ट लिखने की कोशिश करें। Described in section 3 of the constitution and directive principle in section 4 of the constitution. ये तो आपको पता ही है। They both collectively present the plan of establishing the welfare state. दोनों मिलके काम क्या करते हैं? एक वेलफेयर स्टेट को बनाने की कोशिश करते हैं। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे आपको पॉलिटिकल प्लस सॉरी सोशल प्लस इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले और आपका डेवलपमेंट हो, ठीक है, आपको ये मिले, इसलिए अब दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये दोनों तो डीपीएसपी कर रहा है और ये आपके फंडामेंटल राइट कर रहा है। चलिए, जस्टिस गडकर वाज ऑफ द व्यू, गडकर नाम के एक जस्टिस थे, वाज ऑफ द व्यू दैट इफ देयर इज इंपास बिटवीन द टू, इंपास मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन या आपस में तालमेल की कमी होती है या कोई गड़बड़ होती है, जुडिशरी शुड मेक सच प्रोविजन दैट देयर इज हार्मनी बिटवीन द टू। अगर इसमें कोई झगड़ा हो जाए तो भाई फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी, किसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, आगे अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए या अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कहीं पे भी कि भाई जो है ये पॉइंट, ये जो चीज है, मैटर जो है या सब्जेक्ट जो है वो किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर कंसिडर किया जाता है कि या फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो इसको क्लैरिफिकेशन कौन देगा, इसको क्लैरिफिकेशन देगा जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स आप लोग देखा होगा, फंडामेंटल राइट्स भी लगभग वही बात कर रहे हैं जो डीपीएसपी कर रहा है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यहीं से तो सारी चीजें निकल के फंडामेंटल राइट्स में आती है। तो जुडिशरी डिस्क्राइब करेगा कि कोई अगर कोई ऐसा मैटर आ जाता है फ्यूचर में कि भाई ये किसके अंदर कंसिडर करें, उसकी फिक्स डेफिनेशन दी, तो फिर जो है जुडिशरी डिस्क्राइब करेगी फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी में। हां, इन 1967 इन द केस ऑफ गोलकनाथ, गोलकनाथ का मैंने पहले भी नाम दिया था, ठीक है, जुडिशरी डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट सुप्रीम एंड अनअमेंडेबल बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अब जुडिशरी ने क्या कहा था, गोलकनाथ का जो केस हुआ था, ठीक है, गोलकनाथ केस, ने कहा था फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, अनअमेंडेबल है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। In 1973, in the case of Keshavananda Bharati, it was declared by the Supreme Court that a part of constitution may be amended or changed, but no change in basic structure of the constitution can be made. फिर क्या आया था आपके Keshavananda Bharati? जो केस आया था, उसके अंदर ये कहा था कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि fundamental rights में change करें ही ना। क्योंकि आपको पता हो तो अभी फंडामेंटल राइट्स में चेंज करके ईडब्ल्यूएस वाला प्रोविजन हमने जोड़ा 102 वाला, है ना, वो किस में जोड़ा, आर्टिकल नंबर 15 और 16 में जोड़ा, नहीं जोड़ा। तो ऐसा अगर नहीं हो सकता कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है, ये कोर्ट ने कहा था, अभी मैंने बात की ना, जुडिशरी डिसाइड करेगी इस केस में क्या हो सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए डीपीएसपी में,
कोर्ट ने उस वक्त 67 के आसपास जो है 1967 में ये बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट जो है कभी चेंज नहीं हो सकते, तो ये फिर कभी आ ही नहीं पाता। उसी को देखते हुए 1973 में 5-6 साल बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये जो केस आया उसमें जुडिशरी ने कहा, गवर्नमेंट नहीं कहती कभी, जुडिशरी कहती है, जुडिशरी ने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, चेंज फंडामेंटल राइट्स में जो है वो चेंज हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स में जो है चेंज हो सकता है। पर बात क्या है कि ऐसा भी नहीं हो जाए कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जो मेजोरिटी वाली अपने हिसाब से डिसीजन ले और पूरे फंडामेंटल राइट्स को ही क्या करते चेंज करके रख दे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब ही नहीं रहा भाई। ऐसे आ जाती है गवर्नमेंट तो आदमी का दिमाग कैसे भी घूम जाए, पूरा फंडामेंटल राइट को चेंज कर दे ताकि क्या हो, ये जो है डिक्टेटर बन जाए, ये क्या बन जाए, डिक्टेटर बन जाए। ऐसा बहुत बार हुआ पॉलिटी में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन से फेल करके आदमी डिक्टेटर बन गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में आपको चेंज करना है लोगों के वेलफेयर के लिए, इस तरह का आप कर सकते हो, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, अब बहुत आराम से समझना, देखो बहुत माइन्यूट चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो मूल भावना, क्या इसका मतलब ये होता है कि मूल भावना, मेन जो आत्मा है, मेन जो सोल है, किसकी, प्रीएम्बल की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और वो क्या है, आप प्रीएम्बल पढ़ लो, वो क्या है, आप प्रीएम्बल पढ़ लो, जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, सेक्युलर बनना चाहिए, सोवरन, सोशलिस्ट, ये सब बनना चाहिए, ठीक है। प्रीएम्बल में जो चीज लिखी हुई है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने आपको क्या बताया, एक क्रक्स, एक पूरा निचोड़ है। ये जो मूल भावना है कॉन्स्टिट्यूशन, आप इतने दिन से पढ़ ही रहे हो कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को जो है एक इक्वलिटी लाने के लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाने के लिए, इंडिया को सबको एक साथ लेकर चलने के लिए बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि किसी तरह का हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए उसकी। तो वो जो मेन चीज है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये आज तक कभी डिफाइन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर से बोल रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आज तक कभी डिफाइन नहीं है, ठीक है, आपके काम का नहीं है, यहां तक ही आपके काम का था, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। कोर्ट ने ये भी कहा उस वक्त कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, टाइम टू टाइम कैसे, कि अगर कोई ऐसा केस आया, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने, मान लो फिर से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में हमको चेंज करना है, ठीक है, तो कोर्ट में गया वो मामला, कोई पीआई किसी ने लगा दी और उसने क्या कहा कि सर ये ना आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आड़े आ रहा है। मान लो ऐसा कोई केस आ जाता है, उसमें वो आदमी कहता है नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर आड़े आ रहा है, मूल भावना खराब हो रही है किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के चेंज होने से। अब जुडिशरी उस वक्त जो है, जुडिशरी उस वक्त जो है, जिस वक्त ये केस हुआ है उस वक्त अपना डिसीजन देगी कि हाँ ये जो पॉइंट उठा रहा है आदमी, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो ये फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं होगा, और नहीं आता है तो चेंज हो जाएगा। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, जुडिशरी पे डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम। इसके अंदर इस बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर लिखा हुआ भी यही है कि जुडिशरी जो है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट वगैरह बताते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मतलब हजारों चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है भाई, किसी के लिए कोई चीज सही है, किसी के लिए कोई चीज गलत है, ठीक है। एक रिलीजन के लिए कोई चीज सही है, अगर उसको मानते हैं फंडामेंटल राइट में चेंज कर दे तो दूसरे रिलीजन के लिए खराब हो जाएगी, तो कंट्री के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो पाए, ठीक है, कंट्री के अंदर कोई चीज गड़बड़ नहीं हो पाए, उसको हम लिख नहीं सकते, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया कि टाइम टू टाइम जुडिशरी बताती रहेगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत क्या कहते हैं, समझ में आने के लिए जो है आपको एक बहुत प्लेटफॉर्म आपका क्लियर होना चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट जो है वो समझ में आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों था क्यों नहीं है, अगर आपको किसी ने ढंग से समझाया है और समझ में आया है तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आएगा, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इतना समझा दिया है आपको जो है 12th का काम चल जाए, क्या आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। क्या आगे बात, हाँ फिर भी अगर किसी को देखना हो तो आप गूगल पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर नाम का करके देख लेना, आपको बहुत सी चीजें मिलेगी, 100 चीजें मिल जाएगी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बस मेन ये स्प्रिट जो है वो रहनी चाहिए, सोल जो है वो रहना चाहिए, क्रक्स रहना चाहिए किसका, प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले जो लोग थे उन्होंने जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्टिव से ये कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया है
वो हमेशा फंडामेंटल राइट्स के अंदर रहना चाहिए, फिर चाहे तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। अब देखो उसी को देखते हुए थोड़ा ध्यान देना, गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया कि ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 10% रिजर्वेशन दिया। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है? आता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है? हाँ आता है। बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि समाज के हर वर्ग को, हर ग्रुप को जो है इक्वलिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको इक्वलिटी नहीं है किसी कारण जो है वो पीछे रहते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? डीपीएसपी कहती है गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी भलाई के लिए काम करेगी। तो उनकी भलाई का गवर्नमेंट को क्या लगा कि कुछ लोग वास्तव में ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जो है घर भी नहीं है, बेचारे बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, पर जनरल होने की वजह से उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और हमेशा पिछड़े ही रह जा रहे हैं, मजदूरी देके मर जा रहे हैं। उनके भलाई के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों को भी 10% जो है रिजर्वेशन कर दिया। तो फंडामेंटल राइट में चेंज किया ना, अगर ऐसा चेंज नहीं होता तो कहाँ इनको मिलता। तो जो जनरल के हैं उनको 10% वालों को, ऐसे लोग जो वास्तव में प्रॉब्लम में है उनको भी तो मिला है। अब ऐसा तो है नहीं, और आपको भी पता है पूरे इंडिया के जो है 1% या 2% जो लोग हैं उन्हीं के पास सारा पैसा है, 90%, बाकी तो लोग पैसा बहुत कम है। ऐसा तो है नहीं बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे जिंदगी भर। तो इनकी भलाई के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया, इससे बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि न्याय मिला, जस्टिस मिला सबको, और इनको जो है रिजर्वेशन भी मिल गया। अब बात समझ में आई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। जिसको नहीं समझ में आई है लोड मत लेना, अपने जितना है उतना ठीक है, आगे बढ़ो क्योंकि अपने इतना डीप में नहीं है। चलिए बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रायोरिटी और फंडामेंटल राइट बट लेटर ऑन, ठीक है, और एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था काम के, एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ये सारी चीजें मैं एक साथ लाइन में इसलिए लिख रहा हूं आपको पता चले किसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। उसमें ये कहा गया कि डीपीएसपी जो है वो पावरफुल ज्यादा है और फंडामेंटल राइट जो है वो पावरफुल कम है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट इसको चेंज कर दिया। और लेटर ऑन इन द केस ऑफ मिनरो मिल्स, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट, अब क्या केस था, मिनरो मिल्स, ठीक है, ये अराउंड 78 के आसपास की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है, कंफर्म नहीं होंगे इसका, मिनरो मिल्स द सुप्रीम कोर्ट डायल्यूटेड द सुप्रीमेसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट क्लियर दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। मिनर्वा मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो पार्लियामेंट का या गवर्नमेंट का जो पावर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का वो अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से जो है सब चीजें हटा नहीं सकते, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब चीजें हटा दो, नहीं। वही बात की उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर वाली, ये प्रभावित जो है ये इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने बोल दी। और कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों आपस में जुड़े हैं, मतलब अगर ये है तो ये है और अगर ये है तो ये है, दोनों का तालमेल, दोनों का रहना जरूरी है, कोई भी ऊपर नहीं है कोई भी नीचे नहीं। देखते हैं, इट कैन नॉट वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैंने बात बोल दी। एट प्रेजेंट द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आजकल या एट प्रेजेंट अभी जो फंडामेंटल राइट जो डिस्क्राइब किए जाते हैं वो हमेशा वही बात की जाती है कि डीपीएसपी जो है वो फॉलो करनी होगी। अगर डीपीएसपी फॉलो होगी तो फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट अच्छे होंगे तो लोगों का वेलफेयर अपने आप हो जाएगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना जी। एट प्रेजेंट, सॉरी, बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों जो है आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों जो क्या है मतलब डिफरेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एक से जुड़ा हुआ एक चीज है। ये अगर ये है, अगर फंडामेंटल राइट्स है तो डीपीएसपी मिलेगी, डीपीएसपी है तो फंडामेंटल, दोनों को हटा एक साथ नहीं हटा सकते या एक में से दोनों में से एक को नहीं हटा सकते हैं, दोनों को रखना जरूरी है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ रहेगा। समझ में आई बात, ये बात हमने करनी थी और ये बात आपको समझानी थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ये एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज और ये पांचवी, ये वाला आपको बनाना है फंडामेंटल ऐसे इक्विलिब्रियम करके, इस तरह से जो है दोनों पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये जो क्वेश्चन आ जाए अगर तो आपको सबसे पहले इस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस केस में क्या हुआ, 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 आगे बात समझना। चलिए वीडियो पॉज होता है उसको पॉज करके लिख लेना।
अब आता है नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है अपना, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आर्टिकल 51A, 51 तक तो बीपीएससी चल रही थी, 51A में जोड़ दिया गया 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, और एक पार्ट फोर्थ ए, फोर्थ तो है ये बीपीएससी वाला, फोर्थ ए और जोड़ दिया कि जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दी गई। पहले जब जोड़ी गई थी तब कितनी थी, 10 थी, पहले जब जोड़ी गई थी फिर 10 थी, फिर 86 अमेंडमेंट जो हुआ उसमें चेंज करके जो है अब कितनी हो गई है, आपके 11 हो गई, ठीक है ना। 86 अमेंडमेंट जो हुआ था वो जो है उसके अकॉर्डिंग आपके 11 हो गई, वो एजुकेशन वाला, ठीक है ना। अरे 86 एजुकेशन वाला जो राइट टू एजुकेशन जुड़ गया था वो, ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल जो आपने पढ़े थे फोर्थ फिफ्थ स्कूल में, सॉरी क्लास के अंदर, सोशल के अंदर, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, देयर इज ए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, राइट्स और ड्यूटी जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बहुत ही स्टेटमेंट तो बहुत छोटा है पर समझ में आने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखो इसलिए बोल रहा है राइट्स और ड्यूटीज आपस में जुड़ी हुई है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज भी आपस में जुड़े हैं। कैसे, आपको मैंने कोई ड्यूटी दी, आपको कोई ड्यूटी दी है, जब आप फॉलो करोगे, जब आप फॉलो करोगे तभी तो आप राइट मांगोगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, आपको ड्यूटी दी है चौकीदारी की, ठीक है, आपको ये कहा गया है रात को 8 से लेकर सुबह के 8 तक आपको क्या करना है, पहरा देना है, ये आपकी ड्यूटी दी किसने, आपका जो भी ओनर है। अब ये ड्यूटी करोगे तभी तो आपको राइट मिलेगा, कौन सा राइट, इनकम का, ठीक है ना। तो बात ये है, अगर ड्यूटी नहीं करोगे तो इनकम नहीं मिलेगी, तो राइट्स और ड्यूटीज जो है आपस में जुड़े हैं। ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है आपकी, नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल एंथम जो है, नेशनल एम्बलम जो है, या जो इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। फिर से लूज का एग्जाम्पल लो, आपकी ड्यूटी क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब आप जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे नहीं, आप ही पॉल्यूशन फैला रहे हो, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हो, सब खराब कर रहे हो, और फिर आप सरकार से क्या मांग रहे हो, गवर्नमेंट से राइट, क्या कि हमें राइट है, हमें जो है प्योर एयर मिलनी चाहिए, हमें जो है सब प्योरिटी मिलनी चाहिए, पानी भी प्योर होना चाहिए। तो भाई आपने क्या किया, आपने कुछ किया क्या इंडिया के लिए, या कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट तो ट्राई कर ही रही, पर आप भी तो कुछ करो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी भी तो ड्यूटी है ना कुछ, आप खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, गवर्नमेंट से सारी चीजें मांग रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बस ये एग्जाम्पल है, जिसको ये समझ में आई है उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जिसको नहीं समझ में आया देखते हैं कोई अलग तरीका, नहीं आया बता देना, मैसेज कर देना। देखिए, वन पर्सन राइट आर ड्यूटीज ऑफ अनदर पर्सन, एक आदमी के राइट जो है वो किसी की ड्यूटी हो सकती है, किसी की ड्यूटी किसी की राइट हो सकती है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। Therefore, we cannot imagine the existence of right in the absence of duties. अगर duties नहीं होगी तो rights नहीं होंगे, rights नहीं होंगे अब income income का मामला ही नहीं लेने का, तो फिर कोई duty कौन करेगा। तो आपस में इस तरह से reciprocal भी है और जुड़े हुए भी। In the constitution of 1950, there was provision of fundamental right only for the citizen, but not of duties. उस वक्त जब constitution बना था duties नहीं थी, सिर्फ rights ही थे। But in 1976, while making the 42nd amendment in the constitution, it was felt that That the fundamental duties of the citizen must be explained. उस वक्त लगा यार आगे जो फ्यूचर में जो है कंट्री वालों के लिए कुछ करने के से पहले ऐसा है, कंट्री वालों को पता तो होना चाहिए हमारे खुद की क्या ड्यूटीज है, वो करो तो आप सबको राइट चाहिए, सबको डीपीएस भी चाहिए, खुद भी तो कुछ परफॉर्म करो। हाँ, Therefore, in section 4A या part 4A of the constitution, 10 duties were added. Sorry, it has been said here that it shall be the duty of every citizen that he, अब ये duties क्या-क्या हैं? आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, इसके सारे लॉज को मानो, रेस्पेक्ट द आइडियल्स मतलब जो आदर्श बने हुए हैं ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं, वो सब फॉलो करो। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गई, जुडिशरी हो गई, पीएम सीएम पुलिस ऑफिसर्स हो गए, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उन सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करो, ठीक
ठीक है, कंट्री में अगर कोई बोल देता है कि लॉकडाउन है, घर से बाहर मत निकलो, पुलिस बोल रही है, तो भी निकलते हो, तो आप इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हो ना। इंस्टीट्यूशन वही होती है जिसकी आप, जो गवर्नमेंट के नीचे काम करता है या जिसमें कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। स्कूल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं एक दूसरे की भलाई के लिए। स्टूडेंट का भला होता है, स्टाफ का भला होता है, और जो वर्कर्स हैं उनका भला होता है, सबका एजुकेशन है, उनका भला हो रहा है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जनगणमन का आदर करो, और ये फ्लैग जो है उसका आदर करो, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर, चेरिश मतलब कि खुशियां मनाओ, उसको प्रोपोगेट करो। किसको? नोबल आइडिया, जो अच्छे आइडिया है, जिन्होंने क्या किया था, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प की थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसकी यादें जो है आप ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। वे गांधी जी ने सत्याग्रह किया, नॉन वायलेंस किया, किस तरह से अंग्रेजों को बढ़ाया, ये जो चीजें हैं वो आप इंप्लीमेंट में लाओ, आपकी सोसाइटी में जो है आप उसकी खुशी मनाओ, उसको फैलाओ, प्रोपोगेट करो, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी अच्छे बने, ये आपकी ड्यूटी है। थर्ड क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अपहोल्ड मतलब कि काबू में रखना या खड़ी रखना या मजबूत रखना, प्रोटेक्ट मतलब कि रक्षा करना, किसकी? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब कि आपकी कंट्री, वही वाली बात, कोई आपका खुद, आपका जो डिसीजन है वो खुद आप लो, किसी और पे निर्भर मत रहो, किसी और कंट्री पे या किसी एक्सटर्नल पावर पर डिपेंड मत लो, तो कंट्री की सोवरेनिटी बना के रखो। यूनिटी मतलब कॉम्बिनेशन जो है, किसी तरह का भेदभाव वगैरह मत रखो। इंटीग्रिटी मतलब कि मजबूत ही रहो, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहो। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, कंट्री की रक्षा करो। रेंडर मतलब कि हमेशा तैयार हो, किस लिए? नेशनल सर्विसेज के, अगर आपको बुलाते हैं क्राइसिस में कि भाई आपको आना, आगे आना पड़ेगा, नेशन की जो सर्विस करनी पड़ेगी, या कहीं पे बाढ़ भूकंप वगैरह आ जाता है तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी, तो हमेशा देश के लिए आप तैयार रहो, ऐसा नहीं आप जो है मना कर दो। फिफ्थ क्या है? प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज एंड रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटिव टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। हमेशा जो है हार्मोनी मतलब कि जो है सद्भावना बनी रहे, कभी वुमेन्स के साथ गलत नहीं हो, ठीक है। डेरोगेटरी मतलब कि वुमेन्स के साथ जो है उनकी पोजीशन खराब नहीं हो, इस तरह के आपको व्यवहार करना, बिहेवियर करना। लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप कॉमन रहे, रिलीजन के बारे में आप जो है इक्वल रहे, डाइवर्स जो है, रीजनल डाइवर्सिटीज जो है, कोई पंजाबी, मराठी, असमी, ऐसा नहीं बोला ये असमी है, ये नेपाली है, चाइनीज है, वो असम वाले अपने चाइनीज थोड़ी है, इंडिया के हैं, तो वो इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं देना, ताकि उनको लगे कि भाई जो है हम इंडिया के पार्ट ही नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। फिर सिक्स्थ है, वैल्यूज एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। आपको ये क्या करना चाहिए, अपना जो हेरिटेज है, अपना जो एंशियंट जो सिविलाइजेशन, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, कदर होनी चाहिए, कुल मिला के बात की, खराब नहीं करना। डीपीएसपी में भी लिखा हुआ, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैज कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा करनी है आपको, फॉरेस्ट की रक्षा करनी है, पेड़ को खराब नहीं करना, ज्यादा ज्यादा प्लांट उगाना है, लेक्स हो, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, किसी जानवर को छेड़ना नहीं, खराब नहीं करना, मारना नहीं है, पानी को खराब नहीं करना है, लेक्स को खराब नहीं करना है, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जितने भी आपके आसपास उनको भी कभी भी कोई लॉस नहीं पहुंचाना है। एट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। हमेशा जो है साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि वैज्ञानिक खोज के लिए अपना दिमाग जो है चलाते रहना, अपने नए नए इनिशिएटिव करते रहना, ताकि क्या हो सके, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा मिल सके, आपको जो है साइंस में जो है प्रोग्रेस मिल सके, ये आपको हमेशा जो है वो ट्राई करते हुए रहना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको, एक सेकेंड, सॉरी कोई बीच में आ गया था, हाँ कहाँ थे हम, हाँ ह्यूमेनिज्म मतलब कि अपने अंदर मानवता लेके, यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमेशा जो है चेंज करते रहना, जो पुरानी पद्धति है उनको भी चेंज करके नवीनता लेके आना, हमेशा जो है ट्राई करना कि मैं देश को कुछ नया दे सकूँ, अपनी को डिस्कवरी से, अपने दिमाग से, अपनी खोज से, ठीक है, ये सारी चीजें। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है नेशन की, उसको खराब मत करो, बसों में बैठे हो तो सीट मत पाड़ो, पार्क में बैठे हो तो बेंचे मत तोड़ो, क्योंकि वो नेशन की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एब्जूर वायलेंस मतलब कि वायलेंस को हमेशा कम से कम करने की कोशिश करो, कभी भी हिंसा नहीं करनी, यही तो ना महात्मा गांधी ने कहा होता। कहाँ गया? स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स एंड इंडिविजुअल, सॉरी स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। हर स्पेयर में जहां पे भी आप काम करते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस में हो, ये ट्राई करना कि आप प्रोग्रेस करो और आपके साथ साथ जो है पूरी कंट्री भी प्रोग्रेस करे, ये आपको हमेशा से ट्राई करते हुए रहना। एंडिवर मतलब कि अपने एफर्ट्स होते हैं, अपने एफर्ट्स को आप बढ़ाओ, ताकि क्या अच्छी से अच्छी अचीवमेंट आप ले सको, ये इसका सबका मीनिंग होता है। और 11th जो है वो आपको पता ही है, 6 से लेकर 14 तक जो है सबको एजुकेशन देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लव जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है खत्म हो रही है। उसके बाद आता है ये क्रिटिसिज्म, तो भाई इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इनके अंदर क्या आलोचना टाइप। आलोचना ये है कि बहुत ज्यादा आइडियल है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आदमी जो है सिटीजन जो है वो इतना करने से परेशान होता है, ऐसा करते नहीं है, सब अपनी भलाई चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा हो, हमें दूसरों से क्या लेना। या ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, हमने तो टैक्स भर दिया है, ठीक है, अब जनता जाने या सरकार जाने, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे अपन, वो हमेशा कंट्री के लिए खराब होगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये देने में ये कोई फेल हो जाती है कि जो लोगों का विश्वास जो है वो नहीं जीत पाइए। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि आप जो है अपनी जो ड्यूटीज है वो तो फॉलो करो, वो फॉलो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये जो चीज है वो, ये वही बात होगी अगर स्टूडेंट में जो है सॉरी स्कूल में जो है टीचर जो बोलता है स्टूडेंट को रोज आओ पढ़ाई करो, दिन में 6 घंटे पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा आइडियल हो जाता है ना, तो बच्चे करते हैं और टीचर पागल ही है जो बोल रहे हैं। ठीक है, पहला बात, नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो ये इसमें क्या है, कोई ऐसा बना हुआ नहीं, अगर ये 11 ड्यूटी आप फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये जो है वॉलंटरी है, करनी चाहिए, नहीं करोगे तो भी कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, कौन सा आप करते हैं। ये बात इसके अंदर लिखा हुआ है कि नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर दे आर नॉट बीन फॉलोड प्रॉपरली। ठीक है, पनिशमेंट नहीं है, डर नहीं है, तो हम भी क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खराब हो रहा तो रोड टूट रही तो टूट जाने दो, अपने घर का क्या लग रहा है, वो वाली बात है। टू आइडियलिस्टिक, मतलब बहुत ज्यादा आदर्श है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय एवरी आइडियलिस्टिक थॉट लाइक फॉलोइंग नेशनल आइडियल्स, सेफ गार्डिंग द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट मतलब कि इकट्ठा जो एक कल्चर है वो, फॉलोइंग ह्यूमैनिज्म एंड डेवलपिंग साइंटिफिक टेंपर एक्सेट्रा, ये सारी ड्यूटीज को वापस लिखा है इसने। दीज आर सच आइडियल्स व्हिच आर टू बी प्रैक्टिस, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट विदाउट परफॉर्मिंग ड्यूटीज राइट कैन नॉट बी एंजॉयड, वो मैंने आपको बताया, बिना ड्यूटी के राइट नहीं हो सकता, ठीक है। दीज हैव बीन एडेड एज आइडियल्स ऑफ फॉर आवर सिटीजन, ठीक है, ये आइडियल्स है मतलब आदर्श है। दे इंड्यूस द सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल, इंड्यूस क्या करते हैं, हमारे अंदर इंट्रोडक्शन करते हैं, हमारे अंदर पैदा करते हैं, क्या चीज करते हैं, ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म होती है देशभक्ति, नेशनल वेलफेयर मतलब राष्ट्र की भलाई हो, ये चीज करने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिहाइंड देयर इंक्लूजन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर जो है किसी भी कभी पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं था कि इसको लागू करने से जो है हमारा कोई भला हो जाएगा या उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई भला हो जाएगा। ये तो कॉमन जो है एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमारी कंट्री है हमें ही ध्यान रखना, जैसे हम घर का ध्यान रखते हैं ना, दिन में 4 बार पानी आता तो धोते हैं, उसी तरह कंट्री का भी ध्यान रखना चाहिए, जगह जगह थूकना नहीं चाहिए, जगह जगह स्पिट नहीं करना चाहिए, ये सारा चीजें नहीं करनी चाहिए। इट इज थॉट दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्साइंस ऑफ अ सिटी, कॉन्साइंस मतलब कि विवेक बुद्धि विजडम जो बनेगा, पीपल विल बिकम एक्सटम्ड टू फॉलोइंग देम, ठीक है। जैसे जैसे आदमी लोगों का या लोगों का सिटीजन्स का विवेक बढ़ेगा धीरे धीरे टाइम के साथ, जब लोग एजुकेटेड होंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप ही जो है इन सारी ड्यूटीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और देश की भलाई के लिए सोचेंगे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है क्योंकि वहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, या अपने केरल में होता है लोग पढ़े लिखे हैं तो अच्छा ही काम करते हैं, हम जो है ठीक ही हैं। हाँ, ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे, देयर ऑब्जर्वेंस बाय एवरी सिटीजन शुड बी कंसिडर्ड द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, इनका ऑब्जर्वेंस मतलब कि इनको फॉलो करना, इनको इम्प्लीमेंट करना, हर आदमी का हर सिटीजन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर जो है जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट कुछ लगा नहीं है, फिर से सुन लो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले आपको खुद को करना है, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी शॉर्ट भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग जो है उसका जो 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइट टू फ्रीडम एज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो मैं आपको लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा, या अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तक जो है वो तो कर लेना, लॉन्ग वाले जो है छोड़ देना, और तो क्या हो सकते हैं, उसको क्या करेंगे जब स्कूल ओपन होगी तो लिखवाने की कोशिश करेंगे, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन जो कि आइडियल जो है फंडामेंटल ड्यूटी वाला, आपको भी ट्राई करना चाहिए लॉन्ग आंसर को कैसे, आप ये करना कि बुक के अंदर तो है ही है, आपको समझ में भी आया ही है, ये आपका होमवर्क। चलो फ्री बैठे हो, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th को छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 5th को छोड़ के सारे क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करने हैं, रफ में कर लेना, किसी पेपर में कर लेना, नोटबुक में मत करना, ठीक है, आपको ट्राई करने हैं करने की, तो उससे पता चलेगा आप भी कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है।
और फिफ्थ वाला जो मैं आप बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। और नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी मंडे से होगी, अभी कोई क्लास नहीं होगी इस पूरे वीक में, मंडे से होगी, उसमें जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने की अपन कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।